A few moments later. So while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following step would be not relevant? तो artificial hybridization program करते समय dioecious plant के, dioecious plant कौन से होते हैं जो कि मेरे जिनमें male और female flower अलग अलग plant पे होते हैं, ठीक है? So which of the following step would be not relevant? तो कौन सा step relevant नहीं होगा, ठीक है? बेसिकली मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ आंसर पता भी है और दिख भी रहा आँखों के सामने एकदम से आंसर आ गया, तो बेसिकली ये किस्मत होती है, ठीक है? सुपर, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बैगिंग, बैगिंग जो होती है वो हमारा फीमेल फ्लावर को ढक देना ताकि उस पर हमारा कोई और अनडिज़ायरेबल पोलन ग्रेन गिरे ना और उसे फर्टिलाइज ना कर दे, इसलिए हम बैगिंग कर देते हैं। डस्टिंग ऑफ डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन, जो हमें पोलन ग्रेन चाहिए उसको हम स्टिग्मा पर डस्ट कर देते हैं। ये हमारे रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट है। एमएस क्वेश्चन मतलब वो डायलॉग तो सुना होगा ना, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो उसी तरह से अगर हमारा प्लांट मोनोइशियस है, मोनोइशियस प्लांट है, तो उसमें एक ही प्लांट में एंथर भी होगा, एक ही प्लांट पे हमारे गाइनोशियम भी होगा। तो हम एंथर को काट के फेंक देते हैं क्योंकि ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ठीक है? ना रहेगा एंथर, ना होगी फर्टिलाइजेशन। कौन सी वाली? सेल्फ वाली, ठीक है? जो हमें फर्टिलाइजेशन करानी है वही फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है? एमैस्क्यूएशन हमारी यहाँ कैसे हो जाएगी? एमैस्क्यूएशन, ये तो डायोशियस प्लांट है, एमैस्क्यूएशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोनोइशियस प्लांट, ठीक है? सो कलेक्शन ऑफ पोलन्स, पोलन का कलेक्शन, यस, ये तो ऑब्वियसली प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।